बिल्कुल आर्या जी बिल्कुल, ये आप देख ही रहे हैं कि इतनी मोदी ने तानाशाही इतनी कर दी है कि बिल्कुल हत्यारे ये जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। ये तो पूरा आम आदमी पार्टी को क्रैश करने के चक्कर में पूरा क्रैश करके खत्म करने जा रहे हैं। और मैडम तानाशाह भी ज्यादा नहीं चलता है, रावण का भी अहंकार खत्म हो गया था, मोदी जी का अहंकार खत्म हो जाएगा। और जिस तरीके से मेरे पीछे जो है हुजूम निकल रहा है, जो रामलीला मैदान की ओर बढ़ रहा है लगातार केजरीवाल के समर्थन में, और जो है यहाँ पे पोस्टर देखिए, इतना बड़ा पोस्टर लेके जो खड़े हैं जिसमें केजरीवाल बने और आगे जेल बनी हुई है, इनका क्या माध्यम है इसको लेके खड़े होने का, क्या कहेंगे? तो पोस्टर लेके क्यों आए हैं हम? पोस्टर ये पोस्टर इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हम अपने नेता के लिए आज यहाँ पे आए हैं। जिस तरीके से हमारे नेता को गलत तरीके से बीजेपी ने ईडी के द्वारा बंद करा दिया गया है, हम उनकी रिहाई कराने के लिए यहाँ पर अपने दल बल के साथ आए हैं, पूरे फरीदाबाद से अपने साथियों को लेकर, पूरे फरीदाबाद से अपने साथियों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है केजरीवाल के जो है कपड़े पहन के, जैसे मैं भी केजरीवाल येलो टी शर्ट में आपको दिख पा रहे होंगे यहाँ पे लोग, और महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से है आप? कहाँ से? लोनीवाल। नहीं बताइए ना कहाँ? इंद्रपुरी। सवापुर चौहान पट्टी से। हाँ, तो समर्थन में आइए केजरीवाल जी की, छुड़वा के ही जाएंगे। हाँ जी, छुड़वा के ही जाएंगे केजरीवाल जी को। हाँ, हम सॉरी है बाहर से कट्टर कट्टर ईमानदार केजरीवाल के सिपाही है। तो यहाँ पे महिलाएं भी कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार केजरीवाल के सिपाही हैं ये लोग, और यहाँ पे जो है केजरीवाल को छुड़वाने के लिए रामलीला मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर केजरीवाल जी, क्या रिहा हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे, सिपाही की जीत होगी। पहले लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, क्योंकि केजरीवाल साहब निर्दोष है, जो बिल्कुल अब उनको छुड़वा के छोड़ेंगे। और ये आप हमारे लोग चल के आए हैं तो ऐसे नहीं, हमारे दिल में दर्द है और केजरीवाल साहब प्रति प्यार है, और उनको छुड़वा के जाएंगे हम, पंजाब से आए हैं। तो ये पंजाब से थे, मतलब देख सकते हैं कितने अलग अलग राज्यों से देश की जनता में जो है प्यार देखने को मिल रहा है केजरीवाल के लिए, कि लोग यहाँ पे पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है, और मैं भी केजरीवाल के जो है टी शर्ट जो है पहन के यहाँ पे लोग आए हुए हैं। सर क्या लग रहा है कि इस जो पूरा जो जनसैलाब है, इससे जो है सरकार पे दबाव बन पाएगा? बिल्कुल, पहली बात तो जनहित आवाज चैनल देखते सारे दर्शकों का स्वागत है, जहाँ पर भी बैठे हमारी आवाज को सुन रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और ये जो रैली है, आंदोलन है, और जो केजरीवाल साहब के हक में है, बिल्कुल वो निर्दोष है। अमित शाह मोदी जी की ये चाल है, वो बुखला चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनको अंदर किया है। हम केजरीवाल साहब को रिहा करवा के छोड़ेंगे। धन्यवाद। तो मतलब इस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है कि शायद जो है केजरीवाल से डर गई है मोदी सरकार। सर क्या लग रहा है, क्या डर गई है मोदी सरकार केजरीवाल से? हाँ डर गई है। हाँ, तभी उनको जेल के अंदर डाल दिया है। आप पूछिए उनसे। हाँ, और यहाँ पे देखिए जो है किस तरीके से जो है पूरा इतने बड़े जो लोग खड़े हुए हैं, पुलिस जो है जो किस तरीके का जो है कर्तव्य दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अभी जो है केजरीवाल के समर्थन में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। पोस्टर देखिए कितने बड़े बड़े जो है इन लोगों ने पहन रखे हैं कि लोकतंत्र बचाओ और सरकार को हटाओ, लगातार यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इस सरकार को जो है वो हटाना पड़ेगा। यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं और बैठ के प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। सर यहाँ पे देखिए किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो। क्या मोदी सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? क्या मोदी सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? बिल्कुल आर्या जी बिल्कुल, ये आप देख ही रहे हैं कि इतनी मोदी ने तानाशाही इतनी कर दी है कि बिल्कुल हत्यारे ये लोग हमारे साथ देंगे, हम केजरीवाल जी के साथ हैं, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। और हम इस बिना पे कह रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, उनके ऊपर आरोप लगा है शराब घोटाले का। सारे आरोप झूठे हैं, झूठे हैं, सच्चा बंदा जीतेगा और हम केजरीवाल को छुड़ा के ही रहेंगे। अगर वो नहीं छूट पाते हैं तो क्या जेल से चलेगी सरकार? बिल्कुल चलेगी जेल से, हम केजरीवाल जी का इस्तीफा नहीं लेने देंगे जेल से, वो जेल से करेंगे। हाँ। जेल के ताले टूटे, लेकिन जो एलजी है वो एलजी है, उनको ये बयान आया है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। जो एलजी उनका बयान आया कि जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। एलजी तो टट्टू है बीजेपी का, वो कैसे नहीं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं तो वो सरकार क्यों नहीं चला सकते केजरीवाल? हाँ है ना, कि अगर जेल से सरकार चलाएंगे मतलब
मतलब एक आरोपी जो है वो जेल से सरकार चलाएगा। उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, मोदी की एलजी की नहीं चलेगी, केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अगर कुछ सबूत मिले होंगे तभी तो उनपे कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल सबूत झूठे हैं, बिल्कुल वो नहीं है, इनकी तानाशाही कर रहे हैं। हम सड़कों पे आ गए हैं, अब इनकी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे और केजरीवाल जी को इस्तीफा बिल्कुल। जब आप लोग सड़कों पे आते हैं आपको डिटेन कर लिया जाता है? कोई बात नहीं, कर लिया जाता है, कोई बात नहीं। डर नहीं लगता आपको डिटेन करके ले जाएंगे यहाँ से कहीं और ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं लगता, केजरीवाल संघर्ष करे, हम उनके साथ है। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं टूटती हुई, आपको इतनी संख्या में इस चीज के बाद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद आम आदमी पार्टी और ज्यादा जुड़ती हुई नजर आ रही है, टूटती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल में किस तरीके की महिलाएं जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, महिलाएं यहाँ आई है, बहुत सारे लोग हैं, सब केजरीवाल के साथ हैं। अब केजरीवाल के साथ जो है बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरीके से उनको डिटेन कर लिया जाता है, साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि हम डरते नहीं, हम संघर्ष करेंगे, हम केजरीवाल के साथ रहेंगे। क्या कहेंगी मैम, क्या लग रहा है केजरीवाल छूट पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल छूट पाएंगे, छूटने चाहिए बिल्कुल, केजरीवाल ही चाहिए हमें। लेकिन कार्रवाई की जो डेट है वो और आगे बढ़ा दी गई है, तो और आगे बढ़ने से क्या हो रहा है? लेकिन चाहिए पब्लिक बढ़ने नहीं देगी। हाँ और क्या, मतलब छुड़वा के रहेंगे जनता के, कोई छुड़वा के रहेंगे मैडम। गलत हुआ है, ये गलत हो रहा है, ये तानाशाही सरकार है, ऐसे थोड़ी चलता है। केजरीवाल ने क्या नहीं किया, क्या गलत किया है? स्कूल अच्छे, हॉस्पिटल अच्छे, बिजली पानी, गरीब आदमी कितना सरकार ने भी तो शौचालय दे दिए। एक मिनट सुनो, क्या शौचालय दे दिए? पब्लिक कितनी आप देख रहे हैं, कितनी पब्लिक है? अगर गलत करता तो पब्लिक इतनी साथ दे दी? ये बता मेरे बाद भी हैट्रिक मार रहे हैं मोदी सरकार। वो गलत वो तो कर ही रहे हैं, गलत तो करेंगे ही, ये गलत है। कान ये अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पब्लिक से पूछो अलग अलग क्या कहती है पब्लिक, इनको कोई शिकायत थोड़ी दिया किसी ने, शिकायत तो नहीं है ना। पूछो इनसे मैडम से, इनसे पूछो, किससे पूछोगे बोला? ये देखो आपके सामने पानी, बिजली, मौलिक क्लिनिक, अस्पताल, स्कूल, इतने राशन दिया है भारत सरकार ने। सिर्फ राशन से क्या होता है, और भी तो जरूरत है पब्लिक की। आज तक इन्होंने कभी बस आपको लाभ नहीं मिल पाया है क्या, जो भाजपा सरकार ने योजनाएं चलाई थी? लाभ मिल रहा, बहुत लाभ मिल रहा हम सबको, बहुत लाभ मिल रहा। क्या लाभ मिला है? वो बिजली है, पानी है, सब कुछ इनके लिए लाभ मिल रहा है। केजरीवाल जी ने करा है कि भाजपा ने करा है? नहीं, वो बाहर कर रहा है। केजरीवाल जी ने, केजरीवाल जी ने किया है, भाजपा जी ने नहीं किया है। केजरीवाल को ऐसे सड़कों से उतरने पर क्या उनको इंसाफ मिल जाएगा? गरीबों का मसीहा केजरीवाल बिल्कुल मिलेगा, हम लोग बिल्कुल साथ है, हमारी दुआएं उनके साथ है, हमारी दुआएं, गरीब आदमी की दुआ बहुत होती है, हमारी दुआएं उनके साथ है। वो निर्दोष है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जितनी बड़ी उनको सजा दे दी, ऐसा उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। वो सिर्फ गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। क्या मोदी गरीबों के मसीहा नहीं है? नहीं जी नहीं, वो अमीर आदमियों की पार्टी है। अमीर आदमियों की पार्टी अमीरों के लिए काम करती है? नहीं नहीं, हमारे लिए क्या करा, हमें तो राशन भी फ्री मिलता है। काम करती है, हम उत्तराखंड से आए हैं, देहरादून से, हल्द्वानी से हम लोग यहाँ आए हैं, बहुत सारे कम से हजारों लोग वहाँ से आए हैं केवल लोकतंत्र को बचाने के लिए। एक बार हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी देश को बचाने के लिए, आज हमारे सब लोग, आज हमारे मौका मिला है अपने देश को बचाने के, अपने बच्चों को रोजगार देने के लिए। परिवारवाद, परिवारवाद कहते हैं, डॉक्टर का बेटा क्या डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता क्या? कल मेरा बेटा अगर डॉक्टर बनना चाहेगा, आर्मी में जाना चाहेगा, वो नहीं बनेगा, मैं अगर एक नॉर्मल नौकरी कर रहा हूं तो परिवारवाद इसमें कहां से आ गया? किसी के अंदर काबिलियत होगी जनता स्वीकारेगी उसे? जिसके अंदर काबिलियत नहीं होगी उसको कोई क्यों स्वीकारेगा? केजरीवाल जी के अंदर काबिलियत है, इसलिए महात्मा शक्ति ने इतना स्वीकारा है उनको, यहाँ की जनता ने स्वीकारा है, वरना कोई तीन तीन बार क्यों बना देगा? लोग अपने घर के लोगों को, सही या गलत जब होता है, लोग अपने घर वालों के साथ छोड़ देते हैं। लोग केजरीवाल जी से पहले उनके और भी नेता, मनीष सिसोदिया जी हो गए, और भी नेता जो है जेल में गए, लेकिन अभी तक उनको नहीं छुड़वा पाए आप लोग। नहीं, उसमें छुड़ा तो आप भी देख रहे हैं ना किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अभी तक उन पर कोई एविडेंस साबित नहीं हुआ है उन लोगों पर, कहीं ना कहीं केजरीवाल जी पे भी नहीं हुआ है। अगर आज हम लोग रोडों पर नहीं आएंगे, ये इलेक्शन का भी दौर है वैसे भी, और आज देश को बदलने का समय है इस समय, अगर आज हम रोडों पर नहीं आते तो ये तो केजरीवाल जी को 1.5-2 साल, ये तो पूरा आम आदमी पार्टी को क्रैश करने के चक्कर में, पूरा क्रैश करके खत्म करने जा रहे हैं। और पुतिन के मुख्य नेता ही सब अंदर होते जा रहे हैं, तो क्रैश तो हो ही रही है। तो सर मैडम तानाशाही भी ज्यादा नहीं चलता है, रावण का भी अहंकार खत्म हो गया था, मोदी जी का अहंकार खत्म हो जाएगा। जितने लोग बेरोजगार लोग हैं, मात्र शक्ति हैं, आज केजरीवाल जी ने उनके लिए काम करा है, एजुकेशन के आपके बच्चों के लिए काम करा है, घर में बिजली पानी के लिए काम करा है। हम चाहते हैं हमारे उत्तराखंड में भी वो आए और ऐसी नीतियां लाएं, और हमारे राज्य के राजस्व को भी बढ़ाया है उन्होंने कहीं ना कहीं। इन्होंने आप कर्जा देखिए कितना, 1,00,000 करोड़, 215 लाख करोड़ कितना कुछ मैं देख रहा था कि उन्होंने कर्जा ले लिया है, जबकि
कि 52 लाख करोड़ के आसपास था कर्जा, और आज देखिए कितना कर्जा मोदी ने ले लिया। ये इतना मोदी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े शो कर रहे हैं, कहाँ से हो रहा है? केवल शो मैन है ये, केवल, और वो भी फ्लॉप। आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से जो पहले है भाजपा सरकार के अंदर डर का माहौल जो है वो दिख रहा है, किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को अंदर कर रहे हैं और केजरीवाल तक को अंदर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो सड़कों पे उतर गए और महिलाएं जो है कह रही है गरीबों के मसीहा हैं केजरीवाल, सबसे ज्यादा काम जो है केजरीवाल जी ने कराया, अब हम सड़कों पे उतर के लड़ाई करेंगे और केजरीवाल को संघर्ष दिला के रहेंगे। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।